निवेशकों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO बुधवार यानी 4 मई से निवेशकों के लिए खुल चुका है। खुदरा निवेशक आज से इस IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। LIC के अगर आप पॉलिसी धारक हैं यानी LIC की कोई पॉलिसी अगर आपके पास है तो आपको इस IPO में छूट भी मिलेगी। पॉलिसी धारक और इसके अलावा LIC के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ शेयर रिजर्व रखे गए हैं। तो आइए 10 पॉइंट्स में आपको इस IPO से जुड़ी 10 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बात, निवेशकों के लिए 6 दिन खुला रहेगा LIC का ये IPO। आप 4 मई से लेकर 9 मई के बीच इसमें पैसा लगा सकते हैं। इस IPO में प्राइस बैंड 902 रुपए से लेकर 949 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। वहीं एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। निवेशक 15 शेयरों के लॉट में बोली लगा सकते हैं। इस तरह न्यूनतम 13,530 रुपए आपको इसमें निवेश करने होंगे। भारत सरकार LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर इस IPO के जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। इसके अलावा इस IPO में खुदरा निवेशकों एवं पात्र कर्मचारियों को 45 रुपए प्रति शेयर और पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर की छूट दी जाएगी। पांचवी अहम बात ये कि IPO में बिक्री के लिए 22.13 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश की जाएगी। छठी अहम बात ये कि LIC IPO का 10% हिस्सा कंपनी के मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। सातवीं अहम बात, IPO में LIC के कर्मचारियों के लिए 15 लाख शेयर रिजर्व कर दिए गए हैं। वहीं IPO में 35% शेयर खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। आठवीं अहम बात, शेयर 16 मई को डीमैट खातों में क्रेडिट किए जाएंगे। वहीं कंपनी 17 मई को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकती है यानी उसे लिस्ट किया जाएगा। नौवीं अहम बात, ये IPO देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पेटीएम का IPO आता है। और आखिरी और दसवीं अहम बात, LIC ने एंकर निवेशकों से 5,627 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। एंकर निवेशकों के लिए 949 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर पर 5.92 करोड़ शेयर आरक्षित रखे गए थे। तो ये हैं LIC से जुड़ी कुछ अहम बातें जो आपको जानना जरूरी हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।